विदिशा लोकसभा सीट से चुनावी दंगल में उतरे शिवराज, बेटे कार्तिकेय ने दी कार्यकर्ता को ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की नसीहत। मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट लगातार सुर्खियों में है। दरअसल पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भाजपा ने विदिशा से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। पिता शिवराज के लिए प्रचार करने बेटे कार्तिकेय चौहान मैदान में है। कार्तिकेय चौहान का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो भाजपा कार्यकर्ता को ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान रविवार को बुधनी के लरकुई वेरुंदा पहुंचे थे, जहां उन्होंने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कार्यकर्ता को संबोधित किया। उस दौरान ये बयान दिया जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस को वोट कहीं नहीं जा रहे, कार्तिकेय चौहान ने बयान देते हुए कहा, कोई भी कार्यकर्ता ये गलती नहीं करे कि एक तरफा चुनाव है। कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी अब भी कायम है, उनका अपना वोट बैंक है, उनके वोट कहीं नहीं जा रहे। दूसरा, अति आत्मविश्वास का वातावरण हानिकारक है और होगा। कार्तिकेय चौहान के बयान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोई भी कार्यकर्ता ये सोचने की गलती ना करे कि एक तरफा चुनाव है। आज भी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कायम है, उनका एक वोट बैंक है, उनके वोट है तो कहीं नहीं जा रहे। और दूसरा, अति आत्मविश्वास का वातावरण आपके लिए हानिकारक हो सकता है और होगा। हमने देखा अभी चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, मैंने न्यूज के माध्यम से देखा 63% एवरेज वोटिंग हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की 47 सीटों। अगर आप बिहार और महाराष्ट्र से राज्यों की बात कर लें तो वहां पर तो और कम वोटिंग थी। जब आदरणीय स्वर्गीय सुषमा गोयल जी चुनाव लड़ी थी, तब ऐसा ही माहौल था कि आत्मविश्वास है, क्योंकि सामने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था और तब वोटिंग इतनी हुई थी केवल 45%। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपन सब इन्हीं चक्करों में पड़े रहे कि भैया साहब तो जीत ही रहे हैं, अपन को क्या करना, अपन अगर घर बैठ भी जाए तब भी साहब लाखों से जीतेगी और पता चला अपने आप पर भी 60% की वोटिंग। निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को सबसे कीमती कोई चीज दे सकता है तो वो कोई धन दौलत संपत्ति जमीन जायदाद पैसा नहीं हो सकती। सबसे कीमती चीज अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है तो वो उसका समय होता है।